लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। एक आदमी जो 50 साल की उम्र में दुनिया को ऐसे ही देखता है जैसे वो 20 साल की उम्र में देखता है, तो इसने ज़िंदगी के 30 साल ज़ाया कर दिए। जब आपका कारोबार छोटा हो तो आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अपने दिमाग पर लगानी चाहिए। ज़िंदगी की सबसे बड़ी अजमत कभी शिकस्त ना खाने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठने में है। अगर तुम इस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम बुरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में कभी कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। दुनिया में नामुमकिन सिर्फ वही काम है जो आप करना नहीं चाहते। ज़िंदगी जीना है तो फिर हालात से डरना कैसा, जंग जो लाजिम हो तो मुकाबले ही देखा करते। कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, कामयाबी कभी भी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। नाकामी का मुंह अक्सर उस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के असूल के लिए अपने खुदा के असूल को तोड़ देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। गलतियाँ इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। बड़े ख्वाब से जाएं क्योंकि जो चीज़ आपके तसव्वुर में नहीं वो हकीकत का रूप नहीं धार सकती। तुम तब हारते हो जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। मुश्किलात का पत्थर तराशने के बाद जो हीरा निकलता है वो कामयाबी है। असल इम्तिहान नाकामी से बचना नहीं बल्कि नाकामी से सीखना और आगे बढ़ना है। अगर तुम हारोगे नहीं तो तुम कभी भी जीत का मज़ा नहीं ले सकते। नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान समझता है कि इसके पास टाइम बहुत है। बहादुर आदमी वो नहीं जिसको कोई खौफ नहीं, वो है जो अपने खौफ पर फतह हासिल कर लेता है। जो कपड़े हलाल रिस्क से बनाए गए हों वो कभी पुराने नहीं होते। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समुंदर तलाश कर। एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि एक शख्स तो मर ही जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। तलीम जिसके अंदर दाखिल होती है वो सादगी इख्तियार करता है, और जिसके ऊपर से गुजर जाती है वो मॉडल बन जाता है। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे, तुम्हारे ख्याल ही तुम्हारी तकदीर है। नाकामी कामयाबी की चाबी है, हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। उम्मीद अच्छी रखो लेकिन तैयारी बुरे हालात के हिसाब से करो। मेरी कामयाबी से मुझे मत परखो, मुझे परखना है तो उससे परखो कि कितनी बार मैं नीचे गिरकर उठ खड़ा हुआ था। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका मत देना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाले अपनी जीत की खुशी खो देता है। यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलूस लगन के साथ दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। कभी भी अपनी चाल का ऐलान मत करो जब तक तुम इसको चल ना लो। कामयाबी कोई हादसा नहीं होती, कामयाबी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, सीखने, पढ़ने, कुर्बानी और सबसे बढ़कर जो काम तुम कर रहे हो इससे प्यार करने का नाम है। कामयाबी और नाकामी इतनी अहम नहीं जितना कि इंतखाबी मकसद। मैं दुरुस्त फैसले लेने पर यकीन नहीं रखता बल्कि फैसला लेकर इसे एक बेहतरीन फैसला साबित करता हूँ। एक इंसान अगर कुछ भी सोच सकता है तो उसे हासिल भी कर सकता है। अगर तुम्हें ऐसे आदमी की तलाश है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल डाले तो इसे आईने के सामने ढूंढो। छोटी छोटी कामयाबियाँ भी अहम हैं, ये हमें एतमाद देती हैं और बड़ी कामयाबी के लिए तैयार करती हैं। अपने काम में इस तरह डूब जाओ कि कामयाब के अलावा कुछ दिखाई ना दे। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो इस पर डट जाओ। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। नाकामी ये नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी तो ये है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा तुम्हें हज़ार मरतबा शर्मिंदा होने से बचा सकता है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर नाकामियों का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा करें। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुमको हरा नहीं सकता।